टॉप 20 अनोन फैक्ट्स अबाउट स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि इस मूवी में टोनी स्टार्क को ही पीटर का मेंटोर क्यों बनाया गया था। इस मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन होमकमिंग रखने की क्या वजह थी, जिसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजन है। स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवीज में कौन कौन से कनेक्शन हैं एंड टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन क्यों कहा गया है, और इसी के साथ बहुत से कमाल के स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में तैयार कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवीज के कुछ रेफरेंस भी दिए गए थे, जैसे कि इस मूवी में वाशिंगटन मोन्यूमेंट रेस्क्यू सीन के दौरान जब स्पाइडरमैन लिज को अपने स्पाइडर वेब की मदद से पकड़कर उसे एलिवेटर के साथ गिरने से बचाता है, तो ये सीन यहाँ पर एंड्रू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी का एक ट्रिब्यूट था, जिसमें वो ग्वेन स्टेजी को भी ऐसे ही बचाने की कोशिश करता है। और इस मूवी में जब पीटर लिज को गिरने से बचा लेता है तो वहाँ पर उसके सूट में लगा AI सिस्टम यानी केरन उसे लिज को किस करने के लिए कहती है। This is your chance, Peter. तो ये रेफरेंस था टोबी की स्पाइडरमैन 1 मूवी को, जिसमें वो मैरी जेन वाटसन को ऐसे ही अपसाइड डाउन किस करता है। इस मूवी में टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर के लिए एक मेंटोर का काम किया है, बट ओरिजिनली ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि टोनी से पहले निक फ्यूरी होमकमिंग मूवी में पीटर का मेंटोर बनता, बट बाद में स्पाइडरमैन की MCU में एक दमदार एंट्री करवाने के लिए मार्वल के सबसे पॉपुलर करेक्टर यानी टोनी स्टार्क को उसका मेंटोर बनाया गया, और उसके साथ ही स्टार्क टैग को भी इस मूवी का मेन पार्ट बनाया गया था। और फिर इसके बाद इस मूवी के सीक्वल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी को पीटर का न्यू मेंटोर बनाया गया था। स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के विलन एड्रियन थॉमस एंड टोबी की स्पाइडरमैन 1 मूवी के विलन नॉर्मन ऑसबोर्न, तो इन दोनों करेक्टर्स के बीच बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि सबसे पहले ये दोनों ही पीटर पार्कर के क्लासमेट्स के फादर्स होते हैं, और ये दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ के बाद एक विलन बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ही पीटर से बात करते करते उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता चला लेते हैं कि वो ही स्पाइडरमैन है, और फिर ये दोनों ही स्पाइडरमैन को अपने ग्लाइडर्स की मदद से मारने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें दोनों नाकामयाब भी होते हैं। ऑलमोस्ट सभी मार्वल फैंस को ये तो पता ही है कि टोनी स्टार के AI कंप्यूटर सिस्टम जार्विस को एक्टर पॉल बैटनी ने अपनी आवाज दी थी, बट क्या ये आपको पता था कि इस मूवी में स्पाइडरमैन के AI कंप्यूटर सिस्टम कैरन को पॉल बैटनी की वाइफ जेनिफर कॉनली ने अपनी आवाज दी थी, जिसने 2003 में आई हल्क मूवी में बैटी का रोल भी प्ले किया था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के बाद जब स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को फिर से रिबूट करने का फैसला लिया गया था, तो उस टाइम पीटर पार्कर के रोल के लिए टोटल 1500 एक्टर्स के ऑडिशंस लिए गए थे, जिनमें से इन 6 एक्टर्स को ही लीड रोल के लिए चूज किया गया था, जिनमें एसा बटरफील्ड, जूडा लेविस, मैथ्यू लिंच, चार्ली प्लमर, चार्ली रो एंड टॉम हॉलैंड भी शामिल था। इसके बाद इन सभी की टेस्ट स्क्रीनिंग रॉबर्ट डोनी जूनियर के अगेंस्ट करवाई गई थी, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन से एक्टर की केमिस्ट्री टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के साथ फिट बैठती है। इसके बाद टॉम हॉलैंड को पीटर पार्कर AKA स्पाइडरमैन के रोल के लिए चूज किया गया था। इस मूवी में जब टोनी स्टार्क पीटर से उसका स्पाइडर सूट लेने की बात करता है, तब पीटर कहता है कि वो सूट के बिना कुछ भी नहीं है। इसके बाद टोनी कहता है If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. और ये लेसन टोनी को आयरन मैन 3 मूवी में सीखने को मिला था, जिसमें उसे द मैंडरिन का सामना अपने आर्मर्स के बिना करना पड़ा था। टॉम हॉलैंड अब तक का सबसे यंगेस्ट एक्टर है जिसने पीटर पार्कर AKA स्पाइडरमैन के रोल के लिए कास्ट किया गया है, क्योंकि जब टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन के रोल के लिए कास्ट किया गया था तो उस टाइम उसकी एज 19 थी, और जब एंड्रू गारफील्ड को कास्ट किया गया था तब उसकी एज 26 थी, और जब टोबी मैग्वायर को स्पाइडरमैन के रोल के लिए कास्ट किया गया था तब उसकी एज 25 थी। इसके बाद टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन को प्ले करने वाला यंगेस्ट एक्टर बन जाता है। इस मूवी में पीटर की होममेड स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम का डिजाइन कॉमिक्स में से बेन रायली के फर्स्ट स्पाइडरमैन सूट से सिमिलर था, जिसे स्कारलेट स्पाइडर भी कहा जाता है, जिसमें स्पाइडरमैन ने एक रेड जंपसूट के ऊपर एक ब्लू स्लीवलेस हुडी को पहना हुआ होता है, और उसके साथ एक वेस्ट बेल्ट और वेब सूटर्स कॉस्ट्यूम के बाहर लगे हुए होते हैं। एंड इस मूवी में पीटर के होममेड स्पाइडरमैन सूट में बस कुछ माइनर चेंजेस ही किए गए थे। इसमें स्पाइडरमैन ने ब्लू जंपसूट के ऊपर एक रेड स्लीवलेस हुडी को पहना हुआ होता है। इसमें वेस्ट बेल्ट तो नहीं होती, बट वेब सूटर्स कॉस्ट्यूम के बाहर जरूर लगे हुए होते हैं, जस्ट लाइक स्कारलेट स्पाइडर। साल 2021 तक लगभग हर एक MCU मूवी में हमें स्टैनली का कैमियो देखने को जरूर मिला है, एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जेम्स गन, स्टैनली ने इस मूवी के साथ साथ टोटल 4 कैमियोज 4 डिफरेंट MCU मूवीज के लिए सिर्फ एक दिन में ही शूट किए थे, जिनमें से फर्स्ट कैमियो इज फॉर स्पाइडरमैन होमकमिंग, सेकंड इज फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज,
थर्ड इज फॉर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 एंड फोर्थ इज फॉर थोर रैग्नारॉक। इस मूवी के एंड में आंट मे को भी पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो ही स्पाइडरमैन है, और केविन फाइजी ने खुद ये बताया था कि उनका ये डिसीजन टोबी मैकवायर की स्पाइडरमैन 2 मूवी से इंस्पायर्ड था, जो कि वो स्पाइडरमैन 2 मूवी में ही करना चाहते थे। इसके बाद हमें ये मूवमेंट स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में देखने को मिली, और इसी के साथ ये स्पाइडरमैन 1 मूवी को भी एक तरह का ट्रिब्यूट दिया गया था, इसके एंड में टोनी स्टार्क अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देता है। मूवी के एंड के टाइम ये रिवील किया जाता है कि हैप्पी को टोनी स्टार की एंगेजमेंट रिंग का इंचार्ज बनाया हुआ होता है, इससे कि टोनी पेपर को प्रपोज करने वाला होता है, जिस पर हैप्पी कहता भी है कि वो इस रिंग को 2008 से अपने साथ लिए घूम रहा है। I've been carrying this since 2008. क्योंकि 2008 में ही आयरन मैन 1 मूवी आई थी, इससे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत भी हुई थी, और वो भी इन्हीं तीनों करेक्टर के साथ। इस मूवी में जब वल्चर एक बिल्डिंग को स्पाइडरमैन के ऊपर गिरा देता है, इसके बाद पीटर अपनी विल पावर की मदद से इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश भी करता है, और ये सीन सीधा द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक बुक के इशू नंबर 33 से लिया गया था। इसमें स्पाइडरमैन ऐसे ही आयरन मैकेनिज्म के नीचे दबा हुआ होता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद करते हुए अपनी विल पावर की मदद से वहां से निकलने में कामयाब होता है। इसके बाद यही सेम चीज हमें इस मूवी में भी देखने को मिली थी, और स्पाइडरमैन के इस मूवमेंट को स्पाइडरमैन कॉमिक बुक्स की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। साल 2010 के बाद से हर एक लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी को सेम राइमी एंड टोबी मैकवायर की स्पाइडरमैन मूवीज के 10 साल बाद रिलीज किया गया है, जिनमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन इज 10 ईयर आफ्टर स्पाइडरमैन, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इज 10 ईयर आफ्टर स्पाइडरमैन 2 एंड द स्पाइडरमैन होमकमिंग इज 10 ईयर आफ्टर स्पाइडरमैन 3, बट मे बी ये सब एक कॉन्सिडेंस भी हो सकता है। इस मूवी में जब स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए उन्हें कैप्टन अमेरिका की वीडियो दिखाई जाती है, तो वहीं पर टीचर कहता है थैंक यू कैप्टन, प्रीटी श्योर दिस गाइस अ वॉर क्रिमिनल नाउ। तो यहां पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के बाद की बात होती है, जिसमें कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स एंड गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाता है, और अब उसे एक वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है। बट इस टीवी क्लिप में कैप्टन अमेरिका अपनी द अवेंजर्स मूवी वाली कॉस्ट्यूम में दिखाई देता है, तो मे बी कैप्टन अमेरिका की ये क्लिप्स द अवेंजर मूवी के बाद ही शूट की गई हो, क्योंकि तब उसे एक पॉजिटिव रोल मॉडल की तरह माना जाता था। एमसीयू में स्पाइडरमैन का डेब्यू उसकी रेड एंड ब्लू स्पाइडर कॉस्ट्यूम के साथ हुआ था, बट ओरिजिनली कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में हमें स्पाइडरमैन रेड एंड गोल्ड स्पाइडर सूट में देखने को मिलता, बट मार्वल वाले चाहते थे कि स्पाइडरमैन का एमसीयू में डेब्यू उसके रेड एंड ब्लू स्पाइडर सूट में होना चाहिए, जिसके बाद टोनी स्टार्क द्वारा बनाया गया रेड एंड गोल्ड आयरन स्पाइडर सूट हमें इस मूवी के एंड में देखने को मिला था, जो कि पीटर को अवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी में जाकर मिलता है। इस मूवी में दिखाया गया स्पाइडरमैन सूट प्रीवियस स्पाइडरमैन सूट से बहुत ही ज्यादा एडवांस एंड टेक्निकली इम्प्रूव्ड था, जिसमें टोनी स्टार्क के जर्विस जैसा ही एआई सिस्टम, होलोग्राफिक इंटरफेस, एबिलिटी टू आर्गुमेंट रियलिटी और भी बहुत कुछ शामिल था, और इसके साथ ही टोनी स्टार्क ने इस सूट में ट्रेनिंग व्हील्स प्रोटोकॉल भी रखा हुआ था, ताकि पीटर स्टेप बाय स्टेप इस सूट के एडवांस फीचर का भी यूज कर सके, एंड स्पाइडरमैन के वेब सूट्स के भी डिफरेंट वर्जन्स एंड सेटिंग्स दी हुई थी, जिन्हें डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से यूज किया जा सके, और इनके साथ ही चेस्ट पर स्पाइडर लोगो भी एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन होता है। ये ऐसी फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी थी जिसमें हमें ओरिजिनल स्पाइडरमैन कॉमिक्स के हिसाब से डिफरेंट वेब सूट्स एंड वेब फ्लूइड्स के वेरियस एलिमेंट्स देखने को मिले थे, जिनमें से फर्स्ट स्पाइडरमैन के वेब फ्लूइड्स को मेंशन किया गया था कि वो फायर करने के 2 घंटे के बाद ही डिसोल्व हो जाते हैं, बट कॉमिक्स में ये फायर करने के 1 घंटे के बाद ही पिघल जाते हैं। एंड सेकंड हमें टेजर वेब देखने को मिला था, जो कि स्पाइडरमैन के नॉर्मल स्पाइडर वेब से अलग होता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन ने डिफरेंट वेब फ्लूइड्स को क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि नॉर्मल वेब शूटर से काम नहीं चलता। एक्ट्रेस मैरिसा टोमोई को बहुत ही बड़ा झटका लगा था जब उसे ये पता चला था कि कॉमिक बुक्स में आंट में एक ओल्डर कैरेक्टर हैं, और इससे पहले स्पाइडरमैन मूवीज में भी हमें ओल्डर आंट में देखने को मिली थी, जो कि कॉमिक बुक एक्यूरेट भी थी, बट इस मूवी में हमें मच यंगर एंड हॉट आंट में देखने को मिली है, और साथ ही इस मूवी में पीटर की एज 15 से 17 के बीच की होती है, तो इस हिसाब से ऐसी आंट में का होना तो बनता ही है। मार्वल एंड सोनी के बीच में डील होने के पहले से ही एक पॉपुलर फैन थ्योरी ये थी कि आयरन मैन 2 मूवी के एंड में छोटा सा बच्चा
जो आयरनमैन मास्क पहनकर किलर रोबोट के सामने खड़ा रहता है, तो एक्चुअल में ये बच्चा पीटर पार्कर है। और स्पाइडरमैन के एमसीयू में एंट्री हो जाने के बाद ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और टॉम होलैंड को ये थ्योरी इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उसने केविन फाइजी से पूछने के बाद ये ऑफिशियल कर दिया था कि ये आयरनमैन मास्क पहना हुआ बच्चा वो ही है, बट एक्चुअल में ये बच्चा डायरेक्टर जॉन फेवरी का लड़का मैक्स होता है। इस मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन होमकमिंग हालांकि एक कॉमन और साथ ही एक स्पाइडरमैन मूवी के हिसाब से बहुत यूनिक सा नेम है, और इस मूवी का ये टाइटल रखने के पीछे एक सॉलिड रीजन था, क्योंकि ओरिजिनली स्पाइडरमैन मार्वल का ही करेक्टर है जिसे फर्स्ट टाइम मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। बट 1999 के बाद से स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी पिक्चर्स के पास थे, जिसके बाद 2015 में सोनी एंड मार्वल के बीच डील होने के बाद स्पाइडरमैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और स्पाइडरमैन के कैरेक्टर की एमसीयू में ये एक तरह से घर वापसी ही थी। इसके बाद इस मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन होमकमिंग रखा गया था। तो ये थे स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी से जुड़े टॉप 20 अननोन फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।